फ्रेंड्स अब बात करते हैं डीओवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें बताएंगे इल्मा। तो सर जो डीओवी में मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं जो चेकलिस्ट में मेंशन होते हैं, फर्स्टली तो स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक अगर वो बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उसकी प्रीवियस एजुकेशन में अपोस्टाइल होना चाहिए, चार्डी स्टैम्प होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे अगर उसकी यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नड है या ऑटोनोमस है तो उसको वो भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने होते हैं। रेस्ट अगर उसकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट पे या फिर डिग्री कहीं पे बैक साइड पे उसका ग्रेडिंग सिस्टम मेंशन नहीं है तो उसको फिर अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम भी वहाँ पे मेंशन करके देना होता है। रेस्ट अगर हम बात करें अगर उसके नेम में डिफरेंशिएशन है तो उसको वहाँ पे वन एंड सेम सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है, और अगर उसका एक्सेप्टेंस लेटर एंड उसकी प्री एनरोलमेंट समरी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल यूनिवर्सिटी टेलीपोर्टल वो भी यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपने जैसे अभी बताया कि अगर उसके नेम में डिफरेंस है तो आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंस है और क्या है। यस सर, जैसे कि अगर स्टूडेंट के पासपोर्ट में उसका नेम डिफरेंट है, मतलब अगर फादर का सरनेम ऐड है या फादर का नेम ऐड है एंड उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिफरेंट नेम है तो उस केस में उसे वहाँ पे वन एंड सेम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा स्टूडेंट को। यस सर। ओके, तो वन एंड सेम नेम सर्टिफिकेट को बनाने का प्रोसेस क्या है? सर उसका एक सर्टेन फॉर्मेट रहता है और उसको बनवाने के बाद उस पर नोटरी कराना होता है, गैजेटेड ऑफिसर या फिर कोई मैजिस्ट्रेट का साइन स्टाम्प करवाना होता है एंड उस पर फिर एसडीएम अपोस्टाइल एंड इन सम केसेस उसका इटालियन ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड रहता है। ओके, इटालियन ट्रांसलेशन किसी पर्टिकुलर एम्बेसी के केस में रिक्वायर्ड रहता है या हर जगह रिक्वायर्ड रहता है? सर अभी ऑलमोस्ट ये है कि मुंबई कॉन्सुलेट कैन आस्क फॉर इटालियन ट्रांसलेशन ऑफ वन एंड सेम सर्टिफिकेट। ओके, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी अगेन? नो सर। ओके, इसके अलावा मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, लाइक अगर यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस लेटर दिया गया है, एक्सेप्टेंस लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहती है जो थ्रू मेल देती है जो कि लेटर एक ऑफिशियल प्रोवाइड नहीं करती है, तो इस सिनेरियो में स्टूडेंट को डीओवी के सबमिशन के टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट व्हाट ही कैन डू इज ही कैन ईदर गिव अ डिक्लेरेशन फॉर्म देयर सबमिटिंग दैट उनको जो है वो जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो थ्रू मेल मिला है, और इसके अलावा अगर और कोई फर्दर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहता है तो वो फुलफिल करने के लिए आगे वो रेडी है। ये डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो वहाँ पे सबमिट कर सकता है डीओवी के टाइम पे। अदर देन दिस व्हाट ही कैन डू इज ही कैन आस्क हिज यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड हिम अ मेल कन्फर्मिंग द सेम दैट ही इज़ ओनली गेटिंग द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और इसको थ्रू मेल ही मिल रहा है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर उसे ऑफिशियली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। Okay. Through that also he can proceed for DOP. इसका मतलब ये है कि कई सारे सिनेरियोज में ये हो सकता है कि स्टूडेंट को वहाँ पर जो उसका कंफर्मेशन मिला है या एक्सेप्टेंस मिला है वो वाया ईमेल मिला हो और अलग से कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इटली के प्रोसेस में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक्सेप्टेंस के लिए वो होता है प्री एनरोलमेंट समरी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एम्बेसी की चेकलिस्ट में मैंशन है डीओवी की कि आपको वहाँ पर अपना एक्सेप्टेंस लेटर भी सबमिट करना है, तो आपको ये फैक्ट वहाँ एम्बेसी में वीएफएस ऑफिस में कन्वे करना होगा कि यूनिवर्सिटी ने आपको जो एक्सेप्टेंस दिया है दैट इज ओनली वाया ईमेल और आपको फर्दर किसी भी तरह का कोई वहां पर ऑफर लेटर नहीं मिला है और आपने प्री एनरोलमेंट सबमिट किया था और आपको प्री एनरोलमेंट का समरी भी मिल चुका है। इस केस में हो सकता है कि एम्बेसी या बीएफएस में आपसे एक सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन सेम चीज का मांगे, तो वो आपको अपना डिक्लेरेशन सबमिट करना है जिसके साथ आप अपना डीओवी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।